नमस्कार, नेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हां दोस्तों, गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। जी हां, भूपेंद्र पटेल बन गए हैं नए मुख्यमंत्री। जी हां, और क्यों और कैसे बने, सारे घटनाचक्र हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसके बाद यह सात डिसीजन हुआ। चल रहा था नाम नितिन पटेल का, लेकिन बाजी मार गए भूपेंद्र पटेल। वो वही है जो आनंदी पटेल के सीट से जीत कर वो फिर से विधानसभा में पहुंचे। जी हाँ, 1,17,000 मतों से जीत के उन्होंने ये विधानसभा का सीट पाया था। चलिए हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ। दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके पहले बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, वहां से दिल्ली केंद्र से भी केंद्रीय मंत्री भी मांडवा भी गए थे, और ऐसी चर्चा थी कि नितिन पटेल शायद बाजी मार जाएं। लेकिन जिस प्रकार से लग रहा था कि कोई नया नाम जरूर आएगा सामने, और नया नाम आ गया, वो है भूपेंद्र पटेल। जहां दोस्तों हम आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल इसके पहले जो विधानसभा से जीत के आए हैं, वो खास तौर से आनंदीबेन पटेल की जो सीट खाली हुई थी वहीं से जीत के आए हैं। से वो उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी 1,17,000 मतों से उन्हें हराया था, और अब भूपेंद्र पटेल एक बार पुनः कह सकते हैं कि बीजेपी ने पटेल को एक बार पुनः दिया है कमान। भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री होंगे गुजरात के, और जिस प्रकार से भूपेंद्र पटेल ने कमान संभालेंगे, निश्चित तौर पर उनके पास चुनौतियां भी होंगी। उनके पास खास चुनौती है आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वहां विस्तार कर रहा है, और उसके बाद अभी लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी वहां बाजी मारे, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी पटेल डोमिनेटेड हैं, और ऐसे में हार्दिक पटेल भी वहां कांग्रेस से काफी सक्रिय हैं। इन सबों को मात देने के लिए पटेल को कमान देना आवश्यक था। तो नितिन पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा था जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद खास तौर पर यही बनेंगे मुख्यमंत्री नितिन पटेल, लेकिन नया नाम आया, भूपेंद्र पटेल बन गए हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। जहां ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली। जी दोस्तों, तो आपने ये जाना, ये खास तौर से भूपेंद्र पटेल ने कमान संभाली है गुजरात के। जी हाँ, और भूपेंद्र पटेल ने संभाली है, यहाँ अगले साल चुनाव है, और जिस प्रकार से हार्दिक पटेल और आम आदमी पार्टी वहाँ पर बीजेपी को हाथ पहुँचा रहे थे, लेकिन फिर से मोदी ने कमान संभाल लिया, और भूपेंद्र पटेल को खास तौर से कमान देकर यह साफ जाहिर कर दिया है कि आसानी से बीजेपी को गुजरात में नहीं हराया जा सकता। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी अपना दम भर रही है, और वहीं हार्दिक पटेल कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं, और हम खबर पर खास नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार।